हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम स्ट्यूब। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ मेरा जो पर्सनल स्किन केयर है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। तो जो इंस्टेंट वाला स्किन केयर होता है वही शेयर करने वाली हूँ। जो मैं वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है। तो शूट करने के बाद मैंने अपना हेयर वॉश करके इंट्रो दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इस पार्ट को भी दिखाना ज़रूरी था। सो अभी मैं अपने गीले हेयर पे अपना सीरम यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, मुझे तो यही पसंद है। तो काफ़ी सारे लोग ड्राई हेयर पे सीरम यूज़ करना पसंद करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी आप गीले बालों पे ही सीरम यूज़ कीजिए, क्योंकि अपना हेयर जो जब गीले बालों पे इसे यूज़ करेंगे तो अपना हेयर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएगा। सो चलिए अभी बाकी की स्किन केयर भी देख लीजिए जल्दी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख सकते हैं पहले ही मैं अपने फेस पे यहाँ पे चारकोल वाला जो पिलो मार्क है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो इसे लगाने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है नॉर्मल वाटर से। तो अभी से मैं ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से। देख सकते हैं इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इसे मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तो सूखने के बाद इसे पील ऑफ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं मैंने इसे पील ऑफ कर लिया है। तो अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और फ्रेश फील हो रहा है मुझे। तो अभी मैं अपने हैंड्स को क्लीन कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गीले टॉवल से अपने हैंड्स को क्लीन कर रही हूँ पहले। इसके बाद मैं D10 का क्लींज़र यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकता है जिनको ज़रूरत है। तो इसे मैं थोड़ी से क्वांटिटी में ले लूँगी और अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसे आपको 10 मिनट तक करना है, अच्छे से मसाज करना है इस क्रीम से। तो मेरा 10 मिनट्स हो चुका है। तो अभी मैं इसे क्लीन कर लूँगी गीले टॉवल से। सो मैंने एक हाथ पे कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरे हाथ पे भी कर लूँगी। तो फ़र्क देख सकते हैं आप लोग। तो फटाफट से मैं दूसरे हाथों पे भी कर लेती हूँ। तो फाइनली मैंने दोनों हाथ कंप्लीट कर लिया है। तो अभी अपने पैर को क्लीन कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक शैम्पू। देन इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें एक एलोवेरा के लीफ, जो फ्रेश एलोवेरा है। तो इसे मैं अच्छे से काट रही हूँ, उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी। और एक बात गाइस, अगर आपके स्किन को लेमन सूट करता है तो आप इसमें हाफ लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे लेमन सूट नहीं करता, तो यहाँ पे मैं लेमन ऐड नहीं कर रही हूँ। जितना हो सके मैंने पूरा जेल ही इसमें ऐड कर दिया है। देन इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मिक्स करते करते मैं अपने हाथों को भी 5 मिनट के लिए इसमें डिप कर दूँगी, ताकि मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो दूसरी बार भी क्लीन हो जाएगा मेरा हैंड्स। सो फाइनली मैं यहाँ पर अपने पैर को क्लीन करने के लिए चली आई हूँ। देख सकते हैं मैंने इसमें अपना पैर डिप कर दिया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही दिखाऊंगी, क्योंकि जो इसके बाद में मेकअप करने वाली हूँ वो इसमें डालूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मेकअप का पार्ट है वो दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना वो मेकअप वाला वीडियो देखने के लिए। सो आधे घंटे तक अपने पैर को इसमें डिप करके रखूँगी, ताकि मेरा पैर अच्छे से क्लीन हो जाए। सो गाइस, मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाना भूल गई थी अपने हैंड्स पे, तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ उसे। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी आप स्किन केयर कर रहे हो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।